हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। तो ये जो खबरें हैं न्यू वैकेंसीज से जुड़ी हुई हैं और इसमें जो बार बार कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बात मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ DSSB के अंदर जो न्यू वैकेंसीज हैं वो एक महीने के लिए कम से कम रुक गई हैं, अभी उन पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो जो EWS की वजह से न्यू वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो कैंडिडेट्स के बार बार माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें वो बात मैंने हरियाणा के लिए कही थी कि हरियाणा के अंदर वैकेंसीज आने के अभी इतने चांसेस नहीं दिख रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट क्या वो करती है। और ये मैंने कुछ चीज़ें ऐसे बताई थी कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, अगर आपने वीडियो डीपली देखे तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर एक चीज देखने को मिल रही है, जो डोमिसाइल नीति है उसकी मांग की जा रही है, कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के अंदर काफ़ी संख्या में वैकेंसीज आई हैं। और इसको देखते हुए जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कोई भी कैंडिडेट बाहर का अप्लाई कर सकता है, जैसे दिल्ली के अंदर है इसी तरह वहाँ का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और मेरिट बेस पे वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। तो वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मांग करी है कि जो बाहर के कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो बोर्ड होते हैं वहाँ पे परसेंटेज अच्छी होती है, इस वजह से जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो जॉब पा नहीं सकेंगे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद वहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी लगभग 1 लाख के लगभग वैकेंसीज थी, जिसमें 32,000 वैकेंसीज बाहर के अभ्यर्थियों ने ली थी। अब वो इस पर जो वो मांग कर रहे हैं डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के कैंडिडेट से उसमें अप्लाई करें, बाहर का कैंडिडेट अप्लाई ना करें। लेकिन साथियों इसमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए, जो मेरी समझ है, आपकी क्या समझ है वो भी आप बता दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट है उनके लिए 10% कम से कम वैकेंसीज होनी चाहिए जो वहाँ पे वो अप्लाई कर सकें, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के अंदर कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, वो लोग मांग कर रहे हैं कि बाहर का कोई भी कैंडिडेट अगर वहाँ का डोमिसाइल है तो ही अप्लाई कर पाए। मुझे लगता है कि इसकी जगह गवर्नमेंट एक रूल कर दे कि 10% जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीट यहाँ पे रिजर्व है। और आपकी क्या मांगे हैं वो भी आप में बताइए जरूर। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जो ऑनलाइन क्विज के लिए अप्लाई के लिए आपको बोला है तो आप इस मंथ के एंड तक 2 मिनट की कोई भी एक वीडियो आप सेंड कर दीजिए और इसके बारे में डिटेल में वीडियो मैं आपको बता दूंगा। 2 मिनट की कोई भी वीडियो आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है, आप स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। इसके बाद क्या है आपको, मतलब कोई भी, ये नहीं कि कोई एज मायने रखती इसमें, अगर छोटा बच्चा है अच्छी स्पीक कर सकता है तो वो भी इंग्लिश में, मतलब कोई भी अपना 2 मिनट का टॉपिक सेंड कर सकता है। इसके बाद 10 कैंडिडेट्स को इस कंपटीशन के लिए लिया जाएगा और फाइनल में जो पहुंचेगा, मतलब राउंड होंगे, फाइनल में जो पहुंचेगा, और ऐसा नहीं कि कहीं जाना होगा, घर बैठे आपको बस वीडियो सेंड करनी है, जो फाइनल में जाएगा उसको मतलब प्राइज भी मिलेगा, शील्ड वगैरह जो भी, ये सारी चीज़ें होंगी और एक अच्छे लेवल से आपको प्राइज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी फैमिली में अगर कोई छोटा बच्चा है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इस मंथ के लास्ट तक आपको अप्लाई करना है और 1 तारीख को जो हमारे टॉप 10 कैंडिडेट्स होंगे जिनकी हमें वीडियो सबसे अच्छी लगेगी तो उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस कंपटीशन में, इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।